नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट चाहत चैनल में। अडानी ग्रुप की न्यूज़ आजकल चर्चा में है। आप सबने न्यूज़ के बारे में काफ़ी सुना होगा। आज हम लोग जानेंगे कि अडानी ग्रुप की न्यूज़ के कारण म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ा है। इस न्यूज़ के कारण नॉर्मल जो इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं या निकालने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मार्केट डाउन होने पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिन्हें कम नॉलेज होने की वजह से या फिर अपना पैसा खो देने के डर से जैसे ही मार्केट डाउन जाता है तो वो अपना पैसा है निकाल लेते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो मार्केट डाउन का आपके इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके एक म्यूचुअल फंड में बहुत कंपनियां रहती हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी कंपनियां हमेशा डाउन जाती रहेंगी। अगर एक कंपनी डाउन जाती है तो दूसरी कंपनी ग्रो भी करेगी, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा। नॉर्मली इन्वेस्टर मार्केट अप जाने पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट डाउन जाने पर डर की वजह से अपना पैसा है वो निकाल लेते हैं, बल्कि हमेशा मार्केट डाउन जाने पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो टाइमली आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के एक रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप में आजकल कोहराम मचा हुआ है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। रिपोर्ट सही है या गलत, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक दो कंपनी में प्रॉब्लम आने पर आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अडानी ग्रुप के प्रति म्यूचुअल फंड का क्या रुख है। वर्तमान में अडानी ग्रुप के शेयरों में म्यूचुअल फंड ने 26,388 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। 44 म्यूचुअल फंड में से सबसे अधिक SBI म्यूचुअल फंड हाउस ने 6,142 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। SBI फंड हाउस ने अडानी इंटरप्राइजेज में 2,776 करोड़, अडानी पोर्ट्स में 1,816 करोड़ और अंबुजा सीमेंट में 790 करोड़ इन्वेस्ट कर रखा है। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड हाउस ने टोटल 2,329 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रखा है। कोटक म्यूचुअल फंड हाउस ने अडानी पोर्ट्स में 1,080 करोड़, अंबुजा सीमेंट में 661 करोड़ और अडानी इंटरप्राइजेज में 495 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। निपन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस ने 2,095 करोड़ और ICICI म्यूचुअल फंड ने 2,095 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। इसके अतिरिक्त एक्सिस, STFC, क्वांट, टाटा, UTI इन सभी म्यूचुअल फंड हाउस ने मिलकर 1,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रखा है। प्रेजेंट टाइम में म्यूचुअल फंड हाउस इंडस्ट्रीज द्वारा इक्विटी मार्केट में 15.25 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, जिसमें अडानी ग्रुप में ओनली 0.76% पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। लास्ट के 3 साल में गौतम अडानी समूह की कंपनियों के स्टॉक्स ने बम्पर रिटर्न दिया है, लेकिन इसी दौरान म्यूचुअल फंड ने इससे दूरी बनाई है। विंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह में म्यूचुअल फंड का निवेश कम हुआ है और वह दाव लगाने से बचते नजर आए हैं। कुछ महीने पहले ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया गया है कि अडानी समूह की कंपनियों पर भारी भरकम कर्ज है। तो यहाँ पर आपको हम यह बताना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर कर्ज वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करना कम प्रेफर करते हैं। फंड मैनेजर काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही आपका पैसा कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन रहती है या रहने की संभावना होती है तो फंड मैनेजर उस कंपनी से इन्वेस्टमेंट हटा लेते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं। तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय किसी भी प्रकार से डरना नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड का लास्ट के 5 या 10 साल का रिटर्न देखोगे तो नेगेटिव नहीं मिलेगा। जून 2022 में जब मार्केट महंगाई की वजह से डाउन गया, उस समय भी मार्केट से काफ़ी पैसा निकाला गया था। जबकि जैसे ही मार्केट डाउन जाता है तो आपको इन्वेस्टमेंट है वो करनी चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि एक दो कंपनी के डाउन जाने या फिर मार्केट डाउन जाने पर आपके इन्वेस्टमेंट पर अधिक समय तक इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा।
आपका पैसा प्रतिदिन यूज होने वाली वस्तुओं के निर्माण में इन्वेस्ट होता है, जैसे सिगरेट, आशीर्वाद आटा, चिप्स आदि का निर्माण आईटीसी कंपनी करती है। इसी प्रकार सभी कंपनियां अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं और उन प्रोडक्ट को सब लोग यूज करते हैं, जैसे मारुति, टाटा, महिंद्रा फोर व्हीलर का निर्माण करती हैं, हीरो होंडा, टीवीएस टू व्हीलर का निर्माण करती हैं। इस प्रकार की कंपनियों में आपका पैसा है वो इन्वेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सेफ इन्वेस्टमेंट है, आपको लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्वेस्ट चाहत। जय हिंद, जय भारत।